जुम्मा पढ़ने के बाद सोचा चलो खेलते हैं, तो सुबह से बाहर धूप में तो निकले कोई नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के लिए धूप में निकले हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे शदीद गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस वजह से फिल वक्त प्रोग्राम कैंसिल, खेलने वाला शाम को देखेंगे खेलते हैं या नहीं खेलते। तो अभी वैसे ही निकला है, मैंने कहा चलो चलते हैं ज़रा बाहर, क्योंकि घर में ज़रा टाइम नहीं पास हो रहा था, तो मैंने कहा ज़रा बाहर निकलते हैं ज़रा चेक करते हैं क्या सीन है। तो चेक करें, आपको पसीना आ रहा होगा, धूप आ रही है, अभी देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना। असल मेन था जहन फ्रेश करना, घर में रह के इतने दिनों से और मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज़ न्यूज़ सुन सुन के ना अब बिल्कुल दिमाग बुटू हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, कोरोना हो गया, ये हो गया, ऐसे इतने केसेस हो गए। असल में सारा दिन न्यूज़ सुनता रहता हूँ, तो जिस वजह से ना मैं ख़ुद को चेंज करना चाह रहा था। तो यहाँ गांव आए हैं, गांव आके शुक्र है अल्लाह के इस तरह का कोई सीन नहीं, सारे रिलैक्स नॉर्मल। पैदल चलाऊँ थोड़ा सा, सांस पता नहीं क्यों फूल गया, समय से बाहर है। और बागात का मैं आपको बताता हूँ कि पहले थे माल्टे, अब माल्टों वाला सिलसिला हो गया ख़त्म, तकरीबन फल सारा कट चुका है, सब उतार लिया गया फल, तो अब नए पत्ते निकल रहे हैं इनके, अल्लाह की शान है। एक फल अभी ख़त्म होता है, साथ ही दूसरा जनाब अल्लाह ताला इसकी शुरुआत कर देता है। तो ये चेक करें इनके फूल, फूलों के बाद छोटे छोटे से दाने बनेंगे, माल्टे बन जाएंगे और ये फिर तैयार होगी फसल। गर्मी शदीद है तो अभी चल के बैठते हैं कहीं ठंडी जगह पे, लेट्स गो। असल में मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने बचपन की याद ताज़ा करूं, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो घर से निकलना गांव आने के लिए तो लोकल ट्रांसपोर्ट होती थी, उस पर आना, आके ना यहाँ एक रोड है मेन रोड, वहाँ उतरना और इस बनना, इसको बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, इसके ऊपर चलते चलते घर पहुंचना। तो मैं इस बनने के ऊपर चलते हुए अपनी बचपन की यादें ताज़ा करना चाह रहा था, तो उसी हवाले से चल रहा हूँ। और ये देखें पीछे भाई भी आ रहे हैं और कज़न भी आ रहा है, पता नहीं इनको और क्या फ़ोटो शूट की पड़ी हुई है। ये नज़र आ गए हैं बेर। असल मौसम इस तरह का ना, कोई भी फल इस तरह से पका हुआ नहीं है, तो ये एक बेरी मुझे नज़र आई है, इसके ऊपर से बेर उतारते हैं। अब पता नहीं कुछ मिलता है या नहीं मिलता, अभी तो उतारता हूँ। हमजा ए बेर तो ला यार, तो और कुछ नहीं, ए ला उतार ताकि आहो तार।
और ले आ। वेट एक छोटे चल यार, गुलाब किसी दरख्त है तो की है। अभी मैंने सादिया को मैंने से कहा कि आ जाओ, पहले हमारा इरादा था हम शाम को यहाँ पर निकलेंगे आउटिंग के लिए, लेकिन अब इरादा चेंज क्योंकि अभी नाश्ता तो थोड़ा लेट ही किया, यहाँ पर आ गई तो अब ये है कि खाना पुप्पो बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, हमने कहा जरा हम खाना आज लेट खाएंगे, तो लेट से मुराद खाना खाने के बाद फिर वापस शहर भी जाना है, तो उस सिलसिले में फिर हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इसलिए सोचा मैंने कहा सादिया आ जाओ तुम भी, अब आ रही है वापस, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पर वो अपना फ़ोटो शूट करेगी और आज शायद वो ख़ुद भी आ जाए व्लॉग के अंदर थोड़ी सी नज़र, लेकिन पर्दे में। अच्छी लाइफ है ये, पुरसकून। टीट टीट पापा आपसे बिल्कुल पुरसकून, कुछ भी बेरी मिल गई, चलो बेर उतारते हैं चल के। कितने हैं, मिसाल बनी है ना बड़ों की, जिस घर बेरी होए ना तो वट्टे जरूर आंदे ने, मीन्स जिन घर बेटियां हों उनके घर रिश्ते ज़रूर जाते हैं, तो उस हवाले से ये मिसाल बनी हुई है। चलाओ यार जाना जी, नहीं तो उन्होंने लैके जाना। डैडी तुसीं जो करते एडा तुहाडा कैमरा फट गया, तुहाडे तो बहुत ही डैडी तां वीडियो लै बना लैंदा। फिर ब्लर हो गई है कोई गल करो, मैं चाहता भी आई सा कि ब्लर होए। तो बहुत अच्छा यार कैमरा मेरा, 10x तक हो जाएगा। तो मेरा भी 10x तक ही है, नहीं 8x तक है। तो मोबाइल रहा है कि चेक करो। एडी रोरो नहीं किया है, पर दिख सही है फोटो। है कि कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी पौधे के ऊपर माल्टे लगे हुए हों, लेकिन लग रहा है कि कहीं से नहीं मिलेंगे। एक जगह से आवाज आ रही है कि मिल गए हैं। आज ही तनु जामन खवाई गई। ओ ऐस मौसम च किधरों जामन आंदे, कुछ भी नहीं मिला। सदिया पता नहीं किधर रह गई है, गिरता गिरता बचो, कोई गल नहीं बच तो गया ना। ओ वाओ एक माल्टा मिल गया मुझे, सात माल्टा लग गया मेनू। सादिया हेलो, ओ एक माल्टा मिला वो भी खुश्क, कोई फायदा नहीं ऊपर ही रहा भाई तू, वो लगे हुए वो भी ऊंचे हैं लेकिन खुश्क हो चुके हैं। ये भी लगा हुआ है लेकिन खुश्क हो चुके हैं, उसका भी फायदा कोई नहीं है। जाने शलजम पोट लेती है तू यार, इस तरह जाया ना करो। तो यहाँ से हो रही है गांव से वापसी क्योंकि हमने घर जाके उड़ाने थे पतंग, और घर हम पहुँच जहाँ से तकरीबन हमारा घर का फासला है तकरीबन 30 मिनट का, 26 किलोमीटर का सफ़र है, तो इजीली आप 60 की स्पीड से भी आप चलाएं गाड़ी या जो भी है आपके पास, तो इजीली आप सुकून से पहुँच जाएंगे आराम से घर आधे घंटे में मैक्सिमम। तो अबू जी भी थे, छोटे भाई भी थे, सारे मिलके गए थे उधर, तो अच्छा लगा। हमारा एक कज़न था उसका जो आजकल हमारे साथ होता है नुमान यूनिवर्सिटी में होता है, तो इसका बड़ा दिल था गांव जाने का लेकिन इसको इजाज़त नहीं मिली थी। तो
खैर जैसे हम वापस आए तो फिर ये भी आ गया था घर, क्योंकि सामने ही हमारे चाचू लोगों का घर है, तो पहले हम जॉइंट फैमिली थे, अब सेपरेट हुए तो अलग अलग घर, तो सारे फिर बच्चे इधर ही पहुंच जाते हैं। काफ़ी मुश्किल रौनक लगी होती है, अभी उड़ाते हैं पतंग। मैं पीछे पर्पल वाले ना ला केड़ा पर्पल ओ पर लाग भी ना है और उस डर बड़ा पतंग उड़ाया अपने। अब उड़ते ही नहीं, अबड़े काम होते हैं, अब नहीं उड़ते, पहले बहुत उड़ते। अरे अब्दुल पीछे जा, अभी भी उड़ तो रहे हैं इतने, वो देखो वो बड़े थोड़े हैं यार। तो भाई तो बोले भाई हर छत यार डोर नाल पे एक मिनट ना सीधा ला सुबह ना रखो यार मैं तो अपना पेचा भी ला रहा हूं, मैं तो अपना गुड्डा काट दूंगा फिर तुम मेरे को मंगोगे। कार बड़े हो गया फिर कार ओ साइड पे अच्छा जल्दी शहजाद आया वहाँ से कि मैंने गुड्डा उड़ाना उड़ाने हम लग गए इसके इसके आने से। अच्छा अच्छा ओए छोड़ दो टूट जाएगी दो बस देख यार स्टार छोड़ दे कितनी दूर चला गया ना गाड़ियां पैंडियां ना कर देख रहे हैं हम नहीं बोल ये ओ जा कार है ना जिसे जाट आना लगे हैं मैं गाड़ी पा रहा हूं ना ना बोलना नहीं मुझे आप कुछ कर ए नहीं नहीं डाल रहा अच्छे पा जा क्या पर ये से पकड़ो बहुत बदतमीज शख्स है यार, तू मेरा पीछा वेखना है तेन खराब करना है ये तू वड्डा हो गया हूं